सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विभाग में जो इंडियन आर्मी की रैली भर्ती जो जयपुर में निकली है उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विभाग में जो इंडियन आर्मी की जो भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 13 अगस्त 2018 है, इसलिए 13 अगस्त 2018 से पहले पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इस सेना भर्ती रैली की जो तिथि है वो 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये सेना भर्ती चलेगी और इसमें जो पद हैं वो पद हैं सैनिक जनरल ड्यूटी यानी जीडी के पद हैं और क्लर्क के और सैनिक टेक्नीशियन के और नर्सिंग असिस्टेंट सहायक के और ट्रेडमैन के, ये पद इस वैकेंसी में हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी में जो योग्यता सीमा है सैनिक टेक्नीशियन के लिए जो योग्यता रखी गई है वो है 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 50% के साथ उसने 12वीं कर रखी हो। इन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अलावा जो सब्जेक्ट है उनमें मिनिमम 40% मार्क प्राप्त किया हुआ जरूरी होना चाहिए। और जो इसमें जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी के पद हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी में मिनिमम 50% पास होना जरूरी है। इसके साथ ही जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें मिनिमम 40% अंकों के साथ पास किया होना जरूरी है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो जीडी विभाग की जो पद हैं यानी जनरल ड्यूटी के जो पद हैं उनमें 10वीं पास से 45% के साथ पास किया होना जरूरी है और जो बाकी सब्जेक्ट बाकी विषय हैं उनमें मिनिमम 33% के साथ पास किया हुआ जरूरी होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टोर कीपर की जो ट्रेडमैन की जो भर्ती इंडियन आर्मी में है उसमें जो पद हैं उनके लिए 8वीं पास की योग्यता सीमा निर्धारित कर रखी है। और मैं बताऊंगा कि जो ये वैकेंसी है इसमें जो आयु सीमा है वो जीडी के लिए 17.5 से 21 वर्ष है, यानी 17.5 से 21 वर्ष में के बीच का जो कैंडिडेट है वो जीडी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है और उसकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका वजन हाइट के अनुसार 50 केजी होना जरूरी है और उसकी चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का चेस्ट फुलाव होना भी ज़रूरी है। और इस वैकेंसी में जो क्लर्क की भर्ती होगी उसमें जो मिनिमम आयु है 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए और इसमें जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इस 162 सेंटीमीटर हाइट के लिए उसका वजन होना चाहिए मिनिमम 50 केजी और इस 50 केजी के साथ उसकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना भी ज़रूरी है। और इसमें जो टेक्नीशियन की भर्ती होगी टेक्नीशियन के लिए 17.5 से 23 वर्ष की आयु है और इसमें 170 सेंटीमीटर की हाइट और उसमें 50 केजी का वजन और उसमें 50 केजी का वजन होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर के उसकी चेस्ट होनी चाहिए और चेस्ट को 5 सेंटीमीटर तक वो फुला सकने में सहायक हो सके। इसलिए इस वैकेंसी में जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो पद हैं उसमें 17.5 से 23 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर रखी है, यानी 17.5 से 23 वर्ष का आयु कैंडिडेट और जिसकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर हो और उसका जो वजन हो वो 50 केजी होना चाहिए और टेक्नीशियन के लिए 17.5 से 23 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि इस वैकेंसी में जो बोनस अंक दिए जाएंगे बोनस अंक वो इस प्रकार से हैं कि जिसने एनसीसी पास कर रखी हो यानी एनसीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी में ए लेवल बी और सी, जिसके पास एनसीसी ए है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, एनसीसी बी है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे और एनसीसी सी है उसको 10 से 15 अंक दिए जाएंगे। ए बी सी यानी उनके क्रम से 5, 10 और 15 अंक निर्धारित कर रखे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनके लिए भी इसमें बोनस अंक निर्धारित कर रखे हैं। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है उसको 20 अंक दिए जाएंगे और इसके साथ ही जो स्टेट लेवल का है उसे 15 अंक दिए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कैंडिडेट है उसे 10 अंक दिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट का है उसे 5 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी को ऑनलाइन करने की जो
वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in। और इस वैकेंसी में फिजिकल होगा, फिजिकल में आप सब जानते हैं कि ये आर्मी की खुली भर्ती है, इसलिए इसमें फिजिकल टफ होता है, इसलिए इसमें रेस होगी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की रेस इसमें 5.5 मिनट में पूरी करनी होगी, और जो सेकंड स्टेप होगी उसमें 5:45 से पहले पहले जो अभ्यर्थी इस रेस को पास करेगा उसके पास उसका मेडिकल होगा। मेडिकल में आँखें चेक की जाएंगी, और आँखें 6x6 होनी चाहिए बिना चश्मे की, और उस कलर रीजन नहीं होना चाहिए, कलर रीजन वाले कैंडिडेट इसमें योग्य नहीं है। और जिस बंदे ने अपने शरीर पे टैटू छिपा रखे हैं, और टैटू यानी कि ऐसे टैटू नहीं होने चाहिए जो सामने से दिखाई दो, वो इसके लिए योग्य नहीं है। और इस वैकेंसी में जो फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद उसका लिखित एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्ज़ाम में कट ऑफ हो जाएगी, कट ऑफ पास करने के बाद उसका इस जॉइन इंडियन आर्मी में सलेक्शन कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे भविष्य में इस प्रकार की ताज़ा न्यूज अपडेट जानकारी समय से समय आप तक पहुंच सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ रोजगार समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।